हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन ऑन द चैनल बीट द कंपटीशन। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, जो बच्चे खास तौर पर जून 2023 में टी जिस नेट में अपीयर होने की बात कर रहे हैं। और देखिए, आप अगर इस पेपर में अपीयर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपीयर हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट उन सभी लोगों के लिए जिनको कि लगता है कि भाई दे देते हैं क्वालिफाई तो नहीं होगा, एक एक यहाँ पर नॉलेज ही गेन होगी, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ज्ञान को अर्जित करने वाली बात होगी आपके लिए। जिसका इस बार क्वालिफाई होता है पेपर, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत यहाँ पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात कर रही हूँ। जिनको लगता है कि भाई पेपर अच्छा नहीं हुआ है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठना पड़ेगा, हालांकि रिजल्ट भी आपके पास आ ही जाना है, तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी एक बुक रिव्यू के बारे में। हालांकि स्टैंडर्ड किताब है आप लोगों के लिए, तो तीन किताबों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी दृष्टि वाली, जो हमारी एनटीयू जैसे नेट की किताब है, जो कि इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल है लेटेस्ट में, लेकिन इंग्लिश में भी वो किताब इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। वेबसाइट पर आप जाकर देख लीजिएगा कि किताब अवेलेबल है कि नहीं है, बट अभी आई नहीं है। तो दृष्टि जो है एक अच्छी किताब है, केवीएस मदान को कहीं ना कहीं मैच करती है, थोड़ा सा शॉर्ट दे रखी है चीजें, बहुत एलेबोरेटेड सेंस में चैप्टर वाइज नहीं दे रखा है, जिसकी की नीड हमें है, जिसके आधार पर आजकल एनटीए खूब क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किताब जो है खराब है, किताब अच्छी किताब है, लेकिन अगर आप एक डेप्थ एनालिटिकल तरीके से यूजीसी नेट को पढ़ना चाहते हैं और पेपर को जेआरएफ तक होल्ड करना चाहते हैं, तो दृष्टि भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। हालांकि आप खुद से एक बार देखिए, बट मेरी प्रायोरिटी मैं शिफ्ट करूंगी केवीएस मदान की तरफ, जो कि एनटीयू जैसी नेट के लिए स्टैंडर्ड किताब है। इस किताब की जो मुझे सबसे खास बात लगती है, जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 में, तो एनईपी 2020 का तो पूरा का पूरा सेट यहाँ पर दे रखा है। हालांकि दृष्टि में भी अवेलेबल है, अरिहंत वाली किताब में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर चैप्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, टॉपिक वाइज है। जैसे रिसर्च, बेसिक रिसर्च की बात करें, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करें, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, ना सिर्फ 2000 सॉरी अक्टूबर दिसंबर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं प्रीवियसली, आपको यहाँ पर फुली सॉल्व हैं, और साथ में मोर ओवर 2600 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको की हुई है। ये बुक भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, जो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लग सकती है। एक बार मैं कैप्शन में दिखा भी देती हूँ, आई थिंक हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, होप सो, ठीक है। तो इस किताब को आप जरूर रिकमेंड कीजिएगा जून 2023 के लिए। अब ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं है, अगर आप कोचिंग नहीं जाना चाहते, तो मुझे लगता है कि इसमें डिजिटल जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है यहाँ पर, अगर आप एकदम लास्ट में जाएंगे। हालांकि आजकल तो किताबों की खासियत ही हो गई है, ठीक है, तो इसमें आप डिजिटली भी पढ़ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अगर आप इस किताब को कम्प्लीटली स्टडी कर लेते हैं पूरी की पूरी, तो आप ये मान के चलिए कि जेआरएफ इस बार आपका कोई नहीं रोक रहा जून 2023 में। हालांकि मैंने पहले भी इस किताब का रिव्यू दिया था, लेकिन ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट किताब इसलिए लगती है क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर एलेबोरेटेड और एनालिटिकल तरीके से मेंशन किया हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत यहाँ वहाँ जाने की नीड नहीं है। और अगेन, प्रीवियस ईयर पेपर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इम्पॉर्टेंट थिंग टू एवरीवन, जिसको कि आप स्किप नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए कि अब तक जून 2022 सॉरी दिसंबर 2022 तक के जितने भी हमारे पेपर हो चुके हैं, 22 की मैं बात कर रही हूँ, उन सभी के सभी क्वेश्चंस पेपर को जरूर देखिए। आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप ठीक से कर लेते हैं, तो जून 2023 का जेआरएफ इस बार आपका कोई नहीं रोक रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक रिव्यू ऑफ केवीएस मदान स्पेशली। हाँ, अरिहंत भी आप ले सकते हैं, बट आई जस्ट सजेस्ट यू विद माई ऑनेस्ट रिव्यू कि आप केवीएस मदान के साथ जाएं, जहाँ पर अगर आप नए भी हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, बट स्टिल दिस बुक इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, एंड काफ़ी है आपको जून 2023 के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपका जेआरएफ। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई कॉमेंट है, कोई क्वेश्चन जरूर पूछिएगा।